आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, जहां से भी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिलती है उसे फौरन आजमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने शरीर को बिना जाने, बिना पहचाने आप जो भी डाइट लेना शुरू कर देते हैं वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, यही बताने वाले हैं आज डॉक्टर प्रताप चौहान। जी हाँ, आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको न सिर्फ फाइबर डाइट, फाइबर फूड्स के फायदे बताएंगे, बल्कि जरूरत से ज्यादा फाइबर शरीर में जाने से क्या नुकसान आपको हो सकता है, आपकी बॉडी को हो सकता है, अपनी उम्र के हिसाब से कैसे आपको फाइबर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आज की संजीवनी बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, सबसे पहले मैं यही बात आपसे जानना चाहूंगी, जो फाइबर फूड्स हम लेते हैं वो कितने ठीक है हमारी हेल्थ के लिए, इसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग कई प्रकार की डाइट्स आजकल ले रहे होते हैं, कहीं से कुछ भी पता चल जाए उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आयुर्वेद में हम आपको एक चीज बार बार समझाते हैं कि कुछ भी चीज आप फॉलो करने से पहले अपनी प्रकृति को समझिए, अपने सिस्टम को समझिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो वो डाइट या कोई भी आप भोजन किसी तरह का जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या चीज है और क्या अंदर जाके करने वाला है। तो फाइबर का भी आपने जिक्र सुना होगा कि हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए, फाइबर डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में होना चाहिए, कितना हमें एक दिन में कम से कम जो है फाइबर लेना चाहिए, ज़्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। जहाँ तक फायदे की बात है, फाइबर हमारी आंतों में जो जा कर के हमारी आंतों के अंदर जो भी वहाँ गंदगी होती है उसको साफ करने में बहुत सहायक होता है। इसके कारण जो है हमारी आंत जो है, जिसको गट बोलते हैं, गट की हेल्थ अच्छी रहती है, अंदर का वातावरण अच्छा रहता है। कब्ज यदि किसी को रहती है तो अगर आप फाइबर डाइट में लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, आपका वेट मेंटेन रहेगा, यानी कि वेट कम नहीं होगा लेकिन जो एक्स्ट्रा वेट है वो कम करने में फाइबर आपको सहायक होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो है सहायक होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में भी फाइबर का बहुत योगदान है, और ओवरऑल देखें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पूरा जो आंतों का जो सिस्टम है उस सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए हमारी डाइट में फाइबर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम फाइबर नहीं लेते हैं डाइट में तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी आंतों में जमा होकर के रह जाते हैं, और वो फिर जो है हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन में भी जो है उसका फर्क पड़ता है, और कई प्रकार के नुकसान हमारे शरीर में उससे होते हैं। खाली पेट लहसुन खाने के क्या फायदे हैं बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, अब से थोड़ी देर के बाद। आप ध्यान से संजीवनी देखते रहें और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपने बताया कि फाइबर जो फूड्स है वो हेल्थ के लिए ठीक है, बट मैं अब ये आपसे जानना चाहूंगी कि अगर यही फाइबर हम ज्यादा ले लेते हैं तो फिर हमें क्या नुकसान हो सकता है, और क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमें इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे? देखिए, कोई भी चीज जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है उसकी प्रॉपर क्वांटिटी लेना बहुत जरूरी होता है। हम बार बार समझाते हैं कि अच्छी चीज जो है अगर उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा लेंगे तो वो भी नुकसान करेगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बड़ी कॉमन सी कहावत है। तो फाइबर जो है जब अंदर जाता है तो हमारी आंतों में जो लिक्विड वाटर कंटेंट जो होता है उसके साथ ही मिक्स करके एक बल्क बनाता है, यानी कि एक तरह से कीचड़ टाइप का कचरा जो भी है, जो वहाँ पे मल है वो बनाता है, और वो मल फिर बाहर निकल जाता है। तो फाइबर बेसिकली उसको बनाने का और बाहर पुश करने का काम करता है। लेकिन यदि फाइबर आपने ज़्यादा खा लिया और पानी वहाँ पर कम है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने के कारण फिर आपके शरीर में अनेक प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। यही नहीं, अगर फाइबर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हैं तो आपकी आंतों में भी जो है आपको कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पर जो है पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभार थोड़ा इन्फ्लेमेशन वहाँ हो सकता है, गैस बन सकती है, अपच, आपको इनडाइजेशन हो सकता है, पेट में जो है अफारा, जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं आमतौर पर, वो हो सकता है, और ओवरऑल जो है आपके शरीर में जो एक एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, आपके सिस्टम में जो फूड का या न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो भी इफेक्टेड होता है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसलिए जो है आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फाइबर लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत आपको करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और किस किस चीज़ में आपको फाइबर मिल सकता है वो भी आपको बताने वाले हैं आज।
खाली पेट लहसुन खाने के क्या फायदे हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में आपसे थोड़ी ही देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौहान, मैं अब आप फाइबर इनटेक की बात करना चाहूंगी, क्या इसकी कोई एक लिमिटेड कुछ मात्रा होती है दिन में लेने की, या फिर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या इनके लिए भी एक अलग है लेने की फाइबर की मात्रा? जी देखिए, जो एक हेल्दी एडल्ट जो होता है, स्पेशली जो हम कहें कि 50 साल से कम की आयु के जो मेल्स हैं, हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, उनके लिए लगभग जो है 35 से 40 ग्राम फाइबर एवरी डे इज द डोज। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो उसके भी जो है फायदे नहीं मिलेंगे आपको, और ज़्यादा होने से क्या नुकसान होते वो तो बताया। इसी प्रकार से 50 साल की कम की जो महिलाएं हैं उनमें लगभग जो है 20 से 25 ग्राम फाइबर, महिलाओं में कम आवश्यकता होती है फाइबर की, ये आप ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में डेफिनेटली कम मात्रा होती है, जो टीनेजर्स होंगे वहाँ पर 18 से 30 ग्राम तक पर डे जो है, क्योंकि उनका एक सिस्टम जो है वो अग्नि तेज होती है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा उनकी डोज होती है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड जो लोग हैं, उनको फाइबर की क्वांटिटी थोड़ी कम चाहिए होती है, क्योंकि ओल्ड एज में जो है हमारी अग्नि वीक हो जाती है, हमारा सिस्टम भी जो है वीक होता है, हमारे फूड का इनटेक भी कम होता है। तो इसलिए जो है जब भी हमें जो है कोई चीज़ पता चलती है कि इसके अनेक फायदे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसका प्रयोग हम कितनी मात्रा में करें, कैसे करें, किस समय पर लिया जाए, और उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं मालूम है, तो कई बार आप ले रहे हैं कोई चीज़ और आपको शरीर में कुछ लक्षण भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो है अच्छा लक्षण नहीं है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि उसका दुष्प्रभाव है, तो फिर आप सोचेंगे कोई और कारण होगा, उसकी दवाई आप लेंगे। मान लो पेट दर्द हो रहा है फाइबर ज़्यादा खाने की वजह से, तो आप पेट दर्द की गोली लेंगे, आप सोचोगे कोई और प्रॉब्लम हो गई है, ब्लोटिंग हो गई है, तो आप गैस की गोली लेंगे। लेकिन कारण को यदि हम नहीं समझेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आयुर्वेद में हम हर विषय पर जो है आपसे जब बात करते हैं तो उसके फायदे भी हम बताते हैं, उसके नुकसान भी हम बताते हैं कि अगर उसके कुछ अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी क्वांटिटी में वो लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी आपके पास जो नॉलेज जाती है आयुर्वेद के माध्यम से वो बिल्कुल सही नॉलेज हो, ऑथेंटिक नॉलेज हो, क्योंकि आजकल बहुत कुछ जो है चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो है कमेंट्स देने शुरू किए हैं, अपने थोड़े वीडियो बना के लोग डालते रहते हैं। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हर उस ज्ञान को जो अच्छा है आपके लिए उसको आप पर्सनल लेवल पर कैसे प्रयोग करेंगे, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी शंका होती है आपको, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका है, तो आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जीवा आयुर्वेद के नाम से, जहां हमारे लगभग 300 डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग शहरों में बैठे हैं, आप उनसे जो है फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ जाकर के आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले उसको पहले अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। कृति जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं आप। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी, बताइए क्या पूछना है। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे एक रिलेटिव हैं जी, उनके घुटनों से आवाज आती है। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी अभी, कुछ आइडिया है आपको? हाँ जी, लगभग उनकी 26-27 साल उम्र होगी। अच्छा, उम्र तो अभी बहुत छोटी है उनकी, तो इस उम्र में नॉर्मली घुटनों में आवाज आना, वो केवल एक ही यहाँ संकेत मिल रहा है कि वो ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं शरीर का। कई बार हम बहुत ज्यादा वर्कआउट भी करते हैं, आजकल लोग यंग लोग जो है वो काफी जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन साथ में जब भी हम अपने जोड़ों का प्रयोग अगर कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग भी कर रहे हैं, या नॉर्मल भी कई लोगों का जॉब ऐसा होता है कि वहाँ उनको काफ़ी देर चलना पड़ता है, खड़े रहने पड़ता है, तो जैसे मशीन होती है ना, मशीन को जब चलाते हैं आप तो उसमें तेल डालना जरूरी होता है, अगर तेल नहीं डालेंगे तो वो मशीन सूख जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो ये घुटने हैं, हमारे जितने भी जोड़ हैं, उनमें जब मूवमेंट होती है तो वहाँ लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो बाहर से तिल का तेल लगाएं,
नियमित रूप से एवरीडे, और इंटरनली भी आजकल थोड़ा तेल घी से, खासतौर से जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बहुत डरती हैं तेल घी खाने से, क्योंकि उनको लगता है कि मोटे ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, उचित मात्रा में आप घी का प्रयोग करें। इंटरनल ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंदर से अगर ऑयलिंग नहीं होगी तो भी जो है आपके शरीर में ड्राइनेस होगा, और ड्राइनेस के कारण काफ़ी सारे रोग फिर शरीर में पैदा होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।